नवाबों के दौर में रामपुर में आम और खास आदमी के दो हथियार होते थे, पहला तेज जुबान और दूसरा तेज धार वाला चाकू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामपुरी चाकू की। रामपुरी चाकू की अपनी एक पहचान थी और इसे बनाना एक कला। इस चाकू को एक अदा के साथ खोला जाता था। पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में भी रामपुरी चाकू ने अहम किरदार निभाया है। रामपुर ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे में रामपुर का जो पुराना इतिहास है उसको एक बार फिर दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो रामपुरी चाकू बनाया गया है, इसमें इसका साइज है अराउंड 20 feet by 3 feet, और ये जो है ये 3D एक स्कल्पचर है, और इस स्कल्पचर में हमने मिक्स मेटल का इस्तेमाल किया है। इसमें ब्रास है मेनली, इसको ब्रास से और स्टील से, इसका जो ब्लेड है वो स्टील से बना हुआ है। ये स्टील जो है ये काफ़ी ख़ास स्टील है, और ये ब्रास भी कुछ अलग ग्रेड का ब्रास है जो इजीली रस्ट नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा। और इसमें कुछ जो हमने स्टील यूज़ किया है वो स्टील भी बिल्कुल अलग है, इसका ग्रेड बिल्कुल अलग है। रामपुरी चाकू जो है वो रामपुर की एक विरासत है। इस विरासत को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया है, और इस विरासत को इसमें नवाबी दौर से इसमें काफ़ी चीज़ें थी। 70s में ये बहुत बॉलीवुड में फेमस था, और अभी जो हमने इसमें काम किया है कि ये काफ़ी लगभग 20-25-30 साल से जो बंद कारोबार था उसको वापस से रिवाइव करने के लिए हमने इस पर वर्कआउट किया है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही जितने भी रामपुर के ऐसे और बिजनेसेस हैं वो भी स्पॉटेड हों और वो दिखें, विजुअल में आए, और शहर का विकास भी हो, इससे डेवलपमेंट भी हो, और यहाँ का बिजनेस भी एम्पावर हो, लोगों की जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी एम्पावर हो, और हमारे शहर का जो है ब्यूटिफिकेशन वो भी अच्छी तरीके से हो जाए। कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए और रामपुर को एक अलग पहचान दिलाने के लिए रामपुरी चाकू चौराहा डेवलप किया जा रहा है। जो हमारा जनपद रामपुर है, ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जो रामपुर का एक सुनहरा इतिहास है तो उसको हम लोग फिर से रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। रामपुरी चाकू बॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि अपने आप में एक बहुत फेमस डायलॉग से अलग पहचान रखता है। तो रामपुर में लोग आए टूरिज्म के लिए, रामपुर रजा लाइब्रेरी हो या रामपुर के अन्य और स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूने हैं। साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में रामपुर अलग पहचान रखता है, सहसवान घराना यहाँ पर है, और रामपुरी चाकू हो, रामपुरी टोपी हो, रामपुरी वायलिन हो, सभी ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं, उनको उनके कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको एक अलग पहचान दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसी क्रम में रामपुरी चाकू चौराहा हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपने जौहर अस्पताल के सामने, ताकि जितने भी टूरिस्ट जो नैनीताल जाते हैं या रामपुर में ऐसे गुजरते हैं तो रामपुर के बारे में उन्हें और एक कौतूहल उनके मन में जगे, और रामपुर के जो स्थापत्य कला है और बाकी जो सांस्कृतिक क्षेत्र में रामपुर जो अलग पहचान रखता है उसको देखने में लोगों की रुचि जगे और पर्यटन की यहाँ पे संभावनाएं बढ़े, ताकि यहाँ पे रोजगार बढ़े। इस सारी एस्पेक्ट पे काम करने के लिए ये पहल की गई है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रामपुर अलग पहचान रखता है। रामपुर को जानने और समझने में लोगों की रुचि बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इससे रोजगार और पर्यटन की भी सुविधा बढ़ेगी।